तो गाइस आपने देखा कि वंदना दी ने हमको ये गिफ्ट, इसका मैं अनबॉक्सिंग करने जा रही हूँ। यार ये क्या है, गोल्ड का ले लू बहनी, तो बाबू दे दो ना इसको गिफ्ट। हे गाइस, कैसे हैं आप सब? आप सबका स्वागत है किट्टू के चैनल पे। तो गाइस ये देख रहे हैं आप लोग, ऋषभ इतना बड़ा हो गया है लेकिन सीसी से ही दूध पीता है, मतलब बॉटल से ही दूध पीता है। क्यों ऋषभ बॉटल से पीते हो, ग्लास से क्यों नहीं पीते हो? तो गाइस आप लोगों ने देखा होगा अमित एंड किट्टू जैसल के चैनल पे कि हमने सुबह ही सुबह निकल गई वहाँ पे, मतलब कि दर्शन करने की, हाँ कैसा होता है कैसा नहीं। तो मतलब जो सपना था वो मेरा पूरा हो गया, मेरा मनोकामना भी पूरा हो गया, बहुत अच्छा लगा। और अभी मैं तब ऐसे सुबह सुबह उठी थी ना, आँख मेरे से जब कभी जल्दी उठ जाओ ना तो फिर उसके बाद आँख ऐसे जलन जलन जैसा होता है, तो आँखों में जलन जैसा हो रहा है। और अभी देख चलती हूँ मैं खाना खाने। हटो ऋषभ, ऋषभ बॉटल में दूध पीता है, उसको लोग मना करते हैं कि मत पिला करो लेकिन आदत ही नहीं। सोनाक्षी इतनी बड़ी हो गई थी तब जाके छोड़ी है, सोनाक्षी यही 2-3 साल से छोड़ी, नहीं तो वो भी बॉटल से ही दूध पीती थी। तो मैं आ गई हूँ किचन में और मैं जा रही हूँ खाना खाने। तो आज छठ का एकदम लास्ट वाला डे था, छठ भी आज खत्म हो गया क्योंकि छठ 2-3-4 दिन का होता है ये। तो मैं जा रही हूँ पहले खाना खा लेती हूँ, टाइम हो गया है। और मैं खा क्या बनाया है, बथुआ की सब्जी करीला। हम ये गाना कितना अच्छा अच्छा होता है ना, बथुआ की सब्जी किसको किसको पसंद है कमेंट में बताइएगा। कल जो एक लेडीज आई थी मिलने के लिए, सूफिया नाम था, बोले आप कुनरू नरू क्या खाती, क्या होता है हमको पता ही नहीं है। कि बहुत सारे लोग हरी सब्जी नहीं जानते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है, लेकिन हम लोग को हरी सब्जी बहुत पसंद है। तो हम खाना खा के आप लोगों से मिलते हैं, ठीक है? मैं आपको बैग करके दिखा देती हूँ। ये देखो, ये बथुआ की सब्जी खा रही हूँ और रोटी खाने जा रही हूँ कमरे में। हमारे कमरे में थोड़ा अंधेरा है तो पहले मैं लाइट जला लेती हूँ। तो ये देखिए, आप लोग भी बताइएगा कैसा लगता है बथुआ की सब्जी, मुझे तो बहुत पसंद है, आप अपना बताइएगा। A few moments later. तो गाइस आप यहाँ देख सकते हैं ऋषभ को हमने दे दिया है 1 लिखने के लिए। हमारी हैंड राइटिंग देख लीजिए, ऐसे ही हैंड राइटिंग है और हमने ऋषभ को दिया है लिखने के लिए कि आप राइट करो इसको ऋषभ। अभी ऋषभ को मैंने ना उस दिन दिया था, ये देखो आप लोग, उस दिन दिया था मैंने 0 बना, ये गोला बनाने के लिए इधर ए दिया था। मेरी हैंड राइटिंग कुछ अच्छी नहीं है ज्यादा और ऐसे मैंने दे दिया, तो ऋषभ ने ऐसे लिखा है, बट बच्चा है धीरे धीरे आ जाएगा। मैंने इसको डॉट डॉट करके दे दिया ना, तो जैसे लाइन करके दे दो तो बच्चों को आ जाता है। तो ऋषभ आप लिख के दिखाओ बेटा, दिखाओ मेरे व्यूअर्स को। ऋषभ हंसना नहीं चाहिए, मतलब हंसना चाहिए, पढ़ाई के टाइम पहले पढ़ाई करो। और सोनाक्षी अपना यहाँ पे पढ़ाई कर रही है, सोनाक्षी वहाँ पे अच्छे से बैठ के बैठोगी तो ज्यादा अच्छा रहेगा। जाओ वहाँ पे ऐसे पैर नीचे करके बैठी हो। ऋषभ लिखो बेटा, लिखो। आजकल ऋषभ और सोनाक्षी का हम बहुत केयर कर रहे हैं पढ़ाई के लिए, क्योंकि स्कूल खुल गया है तो बच्चों का तो ध्यान देना, क्योंकि वंदना दी थोड़ा सा काम में बिजी रहती हैं और इनका तबीयत नहीं सही चल रहा है। देख रहे हैं इनके चेहरे की शक्ल, जैसे लग रहा है 12 बज रहे हैं। नहीं पता नहीं मेरे को ना, इनको गाँव जाना है ना? गाँव नहीं जाना है। नहीं चली जाओ गाँव, क्या पता था माइंड तुम्हारा फ्रेश हो जाए, 4 लोग से मिलोगी। अरे टेंशन से मत जियो, सब कुछ टेंशन से नहीं। ऋषभ ये लिखो, लिखो जल्दी से, तुम अपना जो वो हटाओ, देख रही हो क्या कर रहे हैं। लिखो अब लिखो, आप लिखो इसको, लिखो बेटा, ये सब लिख लेगा तो आप लोग को दिखाएंगे। अरे यार हम कैसे लग रहे हैं। तो गाइज आप लोगों ने देखा था कि हमने वंदना दी को छोटे और बड़े से कोई मतलब नहीं होता है, बस एक प्यार था कि हाँ हमने इनको दिवाली पे ये देखिए दिया था, तो जो इन्होंने यहाँ पे लगा रखा है गणेश जी का, और इनको मैंने भगवान दे दिया सच्चा। तो वंदना दी ने बोला था कि चलो हम तुमको भी देंगे, लेकिन दिवाली इतने बीत गए लेकिन ये अभी तक हमको दी भी नहीं। अरे दिवाली हमारे लोग को तो दिवाली का ब्लॉग भी आ गया, लोगों को तो अभी दिवाली का ब्लॉग भी नहीं, मैक्सिमम सभी का आ गया लेकिन बहुत लोगों का भी देख रहे आ ही रहा है। अरे यार लेकिन बोली थी दी नहीं, दिवाली का गिफ्ट एकादशी तक चलता है। नहीं तो
अच्छा मेरे कहा 10 तक चलता है, लेकिन दो थोड़ा सा ना होता है ना कि जब कोई जानता है कि हाँ इतना गिफ्ट कोई देने वाला है तो दे देता है तो अच्छा रहता है। गिफ्ट दे? अरे यार तुम तुम्हारे पास पूरा भंडार भरा है साड़ी से, गहना से, गुड़िया से, पैसा से, रुपया से, जायदाद से। भगवान करे संध्या बेला तोरे ऐसा लक्ष्मी उल्लास, भगवान करे तू दिन भर ऐसे ही पैसा पे लदी रह, दिन भर ऐसे पैसा पे नाचत रह। मुझे ना गोल्ड से बहुत प्यार है, इनको गोल्ड से बहुत प्यार है, ऐसे मेरा हाथ दर्द कर रहा था, तुम शूट करो यार बंदा जी, कहीं मेरा ब्लॉग शूट कर लिया तो गाइस दे सकते, जैसे लग रहा है कि ना हमको लगन लग गई है। लगन लगती तो यार हस्बैंड जी दिए, ये तो हम नहीं दे सकते हैं, ये हमारे पति देव की निशानी है, पति देव की निशानी है, लेकिन ये हमारे राशि का है, जो भी है तो पति देव पहले, पति देव तुम्हारे बाद में है, है तो एक है? बात कह रही हूँ कि ये हमारे पति देव की निशानी है, जो ये अपने हाथों में हमेशा लेकर बैठी तो रहती है। हम भी वही निशानी तुमको दे दी, उठा पति देव को, देवर को। इतने अच्छा, इतना अच्छा देवर पाएंगे बताइए आज के जमाने में? देवर अच्छा पाए तभी तो देवरानी बन के आ गए। नहीं आप देवरानी नहीं है, आपको देवरानी मत मतलब एक बात, देवर देवरानी मतलब वही हो गया। हाँ। अच्छे नहीं होते तो थोड़ा ना, अगर यही झगड़ा करते मार करते भी तो हम चाहते कि मेरी बहन की शादी इस लड़की से हो, कोई चाहता? गाइस कमेंट सेक्शन में बताइएगा किसी की देवर बहुत मतलब की बहुत मतलब दिलदार नहीं होते हैं, लड़ाई करते हैं, झगड़ा लगाते हैं, अगर किसी की देवर ऐसे रहता तो कोई अपनी बहन की शादी अपने देवर से कराता है? नहीं करा जाना, जब इंसान अच्छा है तो अच्छा। नहीं मेरी सासू माँ के तीनों लड़के बहुत अच्छे हैं। अरे अपनी सासू, मेरी सासू माँ, और कुछ लोगों के मतलब कि देवर होते हैं, ननद भी अच्छी हैं, कुछ लोग के बच्चे सब अच्छे, कुछ लोग के देवर ननद होते हैं ना, इधर की बातें उधर करते हैं। लेकिन मेरी ना तो मेरी ननद ऐसी है, ना तो मेरे देवर, मेरे तो देवर है नहीं, ना तो मेरे जेठ जी ऐसे है, ना तो मेरे जीजा जी ऐसे। हमारे में क्या है, अपना खाओ अपना कमाओ खुश रहो। अच्छा सब कुछ छोड़ो, पहले मेरे को जो बोली थी कम से कम दे दो एक, तुम बोली थी हम तुमको ग्रीन वाली साड़ी देंगे, साड़ी भी नहीं हमको। क्या कहे गिट्टर जी, साड़ी तो तुम्हारे पास भंडार है जी। अरे मेरे को ना जानती हो ना पहनने का मन नहीं करता है, जो एक बार पहन लेते ना तो फिर तो पिंकी दीदी को दे दो ना, तो दे देंगे, कहे जाते तो देते नहीं है उनको। और एक सोनाक्षी को दे देना, सोनाक्षी की शादी होगी तो सोनाक्षी को पढ़ने दो, सोनाक्षी को वो सब साड़ी पहनेगी क्या? नहीं गाइस अच्छा आप लोग बताइए कि इसे होता है ना कि छोटे लोगों को कोई गिफ्ट देता है दिवाली का तो कितना खुशी मिलता है, जैसे कि वंदा दी हमको ना ललचा दी थी ना कि हम तुमको गिफ्ट देंगे, तुम घबराओ मत, और हम कब से रोज सोचते है कि आज देंगे। अच्छा गाइस देखिए हम इस हालत में गिफ्ट देने लायक है? गिफ्ट हालत वाली बात नहीं होती यार, तुम्हारे पास जो भी होगा तुम मेरे को 2 रुपए का चॉकलेट भी दोगे ना तो मेरे को खुशी लगेगी कि मेरी। हम किसी को चॉकलेट नहीं देते हैं समझी, क्या देती हूँ हम जिसको देते हैं दे देंगे। गाइस जुड़े रहिए ब्लॉग में, देते हैं देखिए आज हम उनको क्या गिफ्ट देते हैं, आप लोग भी जानोगे बंदरा जी का दिल कितना बड़ा है। आप लोग वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करिएगा, देखिएगा बंदरा जी हमको क्या गिफ्ट देने वाली है। हाँ तो ब्लॉग में जुड़े रहिए, मिलते हैं 2 मिनट में। तो गाइस आपने देखा कि वंदना दी ने हमको ये गिफ्ट दिया है दिवाली का, जैसा कि भी इनसे ना लड़े उड़े हैं तब जाकर कि ये सोची हैं, बट मैं तो लड़ ली, अब पता नहीं अब इनके माइंड में क्या चला, तो सोची कि हाँ चलो छे इतना दिन से कहते कहते आज दी हैं, तो इसका मैं अनबॉक्सिंग करने जा रही हूँ क्योंकि ये मुझे पहली बार गिफ्ट दी है और कह रही है बहुत अच्छा गिफ्ट दिए हैं, जिसको भी देते हैं पहली बार तो बहुत अच्छा देते हैं, तो चलिए कोई बात नहीं, पहली बार दे चाहे दूसरी बार दे ये आशीर्वाद के रूप में दे रही है, तो थैंक यू सो मच वंदना दी कि आपने मुझे इतना प्यारा गिफ्ट दिया। वेलकम, चलिए मैं इसका अनबॉक्सिंग करके दिखाती हूँ। यार ये क्या है, आप लोग को दिखाएं? दिखा दो फैमिली को हमारे, आप लोग को दिखाता है इधर सीधा ऐसे रहेगा, क्या हो सकता है, नहीं दिखाएंगे इसमें बहुत कुछ सारे चीजें थे, ये रोज वाला डिब्बा तो वंदना दी ने हमको दिया है गोल्ड का, तो वंदना दी के पास बहुत बहुत अच्छा लग रहा था। थैंक यू वंदना दी ने हमको दिया गोल्ड का और बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि वंदना दी ये ना इनके पास बहुत सारा था तो ये बोले कि मेरे पास है हम क्या खरीदने जाएं फालतू में, तो ये देखो तुम थंबनेल मत निकालो। हाँ थैंक यू सो मच नदी, तो पाव लागी खुश रहा, तो गाइस हमारे पास था तो हमने सोचा कि चलिए जरूरी नहीं है कि बहुत अच्छा है ये आशीर्वाद के रूप में दिए हैं और बहुत अच्छा लगा मुझे, चलिए कोई बात नहीं, जरूरी नहीं कि कोई चीज खरीद के लाओ यहाँ से, रोज का डिब्बा है, अरे कोई बात नहीं, सब कुछ प्यार से जो मिल जाए उसी को स्वीकार कर लेना चाहिए, तो धन्यवाद दिल से पूरे दिल से। तो गाइस बहुत अच्छा लगा और सोनाक्षी ने देखिए तुरंत खट्टे से तोड़ दिया, इन बच्चों के हाथ में पहले से क्या टूटता था,
डब्बा टूटा ही नहीं था, ये बच्चों के हाथ में जो लगता है ना तोड़ देते हैं। सही डब्बा से क्या हुआ, चीज मिल गई ना तुमको? हाँ कोई बात नहीं, जब ये मतलब ये भी पुराना ही हो सकता है, थोड़ी ना खरीदने जाओगी। हाँ इसी में रखी थी ये। थैंक यू सो मच यार, मुझे बहुत प्यारा लगा। हमको कोई अगर किट मौसी मेरा गिफ्ट दे दो। सुना किट मौसी के हमारी रख लग, हम भी हम भाई तो दे दो गिफ्ट ले लू बहनी, तुम बाबू दे दो ना इसको गिफ्ट जरूर। नहीं बाबू नहीं, वो चॉकलेट। इतनी डिमांड भी करी तो एक छोटा सा चॉकलेट, चलो तो भी पूरा जाएगा। तो गाइज थैंक यू सो मच वंदना जी, थैंक यू सो मच इनकी सोच, थैंक यू सो मच इनका सब कुछ। तो आज का ब्लॉग मेरा यही रहा और ये गिफ्ट मुझे बहुत प्यारा। आप लोगों को कैसा लगा आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। और आज का ब्लॉग आप लोग को पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कमेंट अगर ऐसे ही आप बंदा के साथ और ब्लॉग देखना चाहते हैं तो वीडियो को जरूर लाइक कमेंट शेयर करेगा, तभी बनाएंगे। अगर नहीं करेंगे तो नहीं बनाएंगे। आप लोग से बात करते हैं।